चौरी चौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए उसके त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। मंडलायुक्त ने शिकायतों का निस्तारण का निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा एक ही शिकायत की बार बार पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए देखा कि प्रमोद कुमार के घर के काफ़ी करीब से बिजली का तार गया है, जिसको हटाने के लिए उनके द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इस पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जेई के विरुद्ध कार्रवाई एवं मामले को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पोखर भिंडा निवासी विनोद का दैवीय आपदा में झोपड़ी गिर जाने के कारण मिलने वाली सहायता राशि में गलत रिपोर्ट देने पर संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कई मामलों में रसीद ना देने की शिकायत मिलने पर उन्होंने SDM को निर्देश दिया कि सभी शिकायतकर्ताओं को उनके प्रार्थना पत्रों की रसीद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने SDM को निर्देश दिया कि शिकायतों की गुणवत्ता की जांच स्वयं करें। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 57 मामले आए, जिसमें 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामले संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। इस अवसर पर IG नीलाब्जा चौधरी, SDM चौरी चौरा गौरव श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।